बच्चों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार मेरा सुभाषित। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है साथियों, यूपी के सहारनपुर जिले से। और आज हम बना रहे हैं साथियों आलू और सूजी से बनने वाला झटपट बनने वाला नाश्ता। अब हम ये डाले तेल, अब डाले थोड़ी सी हींग, उसके बाद थोड़ी सी डाल दी अजवाइन, अब इसमें एक कटोरी सूजी देखे, एक कटोरी सूजी में कटोरी पानी, पौने दो दो कटोरी बराबर आप पानी डाल, दो कटोरी पानी डाल दी और हल्का सा डाल दिया इसमें नमक, क्योंकि बहुत हल्का सा इसको खाते रहना है। हल्की आग में अब देखे हो गया, देखिए इसको अब जैसे हो गया जैसे हो गया, और इसको ऐसे इस तरह से अब इसे सफेद कपड़े से ढक देंगे ऐसे। ये मैंने आलू उबाल के रख रखे थे, उसको ये उबाल करके मेश करके रख दिए हैं। देखिए आप कढ़ाई में तेल डाल दिया, उसके बाद डालूंगी हींग, इसके बाद जीरा, इसके बाद धनिया दाना दे दिए हल्का सा, वो कर रखा इसको, इसका जायका बहुत अच्छा आता है। अब डाल दिया हल्दी पाउडर, देखे अब डाल दिया मसाला, नमक, काली मिर्च थोड़ा उसमें भी डाला है, सूजी के दूध में थोड़ा इसमें डाल दिया, अब लाल मिर्च डाल दिए थोड़ी सी, अब ये बन गया सरसों का मसाला। देखिए अभी दिखाते हैं, देखिए अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, कोई बहुत ही अच्छा हो गया और परफेक्ट। समतल, बिल्कुल समतल हो गया ये, बहुत अच्छा डोल बन गया ये, बहुत बन के डोल बन के अब ये बन गया। देखिए इतना मोटा बनना चाहिए, अभी दिखाते हैं आपको, अब ये इस तरह से ये एक
के बंद कर दीजिए, जो ये इस तरह से बने बिल्कुल बहुत सुंदर और अच्छे तरह से तैयार है। इस तरह से जो ये है इन्हें बंद कर दीजिए, इसे चाहे हम किसी से इस तरह शेप भी दे दे सकते हैं, इसको इस तरह दे दे, चाहे इस तरह भी दे सकते हैं, चाहे इस तरह बनाइए। मैं दो प्रकार से आपको बताऊंगी, ये देखिए इस तरह से बना दीजिए, चाहे इस तरह से बना दीजिए, शेप कोई सी भी दे दीजिए। इस तरह से मैंने ये कढ़ाई चला दी, कढ़ाई में ऑयल डाल दिया, ये देखिए इसकी कोटिंग करने के लिए देखिए ये मैदा डाल दिया, एक चम्मच, दो बड़े चम्मच काफी रहेंगे, देखते हैं अभी। और इसमें के इसमें हल्का से धीरे धीरे पानी डाल दिया, देखिए एकदम नहीं डालना है, हल्का हल्का डालना है, ये देखिए घोलते रहिए और ऐसे घोल भी दिखाती हूँ मैं आपको भी। कम लग रहा, एक चम्मच और डाल दिया, ये देखिए एक चम्मच और डाल दिया, अपने अंदाज अनुसार डाल दीजिए जितना वो तो, ये देखिए इतना ऐसे करना है, इतना बड़ा कम ज्यादा नहीं, ये देखिए ये इसमें अब हल्का सा मसाला डालेंगे, हल्की सी डालेंगे, देखिए लाल मिर्च बहुत हल्की, नमक तो पहले पड़ी रखा है चुटकी भर में, नमक बहुत हल्का नमक, देखिए आलू में भी है सूजी में भी है, बहुत हल्का बाहर तक बनाने के लिए, ये देखिए आ गए कितना अच्छा कलर आ गया, ये देखिए लगभग परफेक्ट है। अब मैंने चेक कर लिया है, अब देखिए हाँ ये ऑयल भी गर्म हो गया, अब देखिए इसमें ऐसे डुबा करके आपने ये देखिए इस तरह से बहुत मोली भरने में, ये देखिए जैसे बच्चे जा रहे हैं स्कूल को टिफिन में रखने के लिए, इतना बहुत अच्छा नाश्ता है, कहीं आप सफर में जा रहे हो वहाँ आपने थोड़ा बहुत कोई हल्का फुल्का नाश्ता ले जाना है, वहाँ के लिए बहुत अच्छा चटपटा नाश्ता। अभी मैंने इसमें वो नहीं बनाई चटनी, इसमें चटनी के साथ सॉस के साथ किसी के चीज के साथ भी आप खा लो, ये बहुत ही अच्छा क्रिस्पी और अच्छा बनता है, बहुत चटपटा नाश्ता बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता। ये देखिए अगर कोई मेहमान आ रहे हों, और बच्चे तो बहुत अच्छे तरह से खाते हैं शौक से इसको, देखिए अब ये बन गए हैं, बिल्कुल तैयार हो गए हैं, अब इनको निकालते हैं हम, ये फिर दिखाते हैं आपको, देखिए
ये इस तरह से बिल्कुल करारे, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। अब देखिए ये बन के तैयार हो गए। अब ये बहुत ही कुरकुरे और बहुत ही स्वादिष्ट बन रखे। देखिए आप ये ऐसे तोड़ोगे आप, ये इस तरह से बन गए इसके आलू के। ये देखिए आप, और बहुत ही करारे हैं ये इस तरह से। ये देखिए समोसे और इन चीज़ों से भी, कुछ भी बाहर की चीज़ लाते हो आप, उन चीज़ों से घर में बने हुए बहुत ही स्वादिष्ट और बिल्कुल खस्ता बने हुए हैं। देखिए आप एक बार बना के देखें, इनका लुत्फ़ उठाइए, हम भी इनका लुत्फ़ उठाते हैं।